स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश को 15 टन आम भेजे हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मलेशिया, सी जापान, डी दुबई। आंसर सी जापान। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध शिल्पग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों और उत्पादकों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, दुनिया के बाजार में पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पहली बार लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापान को 15 टन आम भेजा। अगला प्रश्न: किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हाल ही में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत छात्रों की योग्यता के आधार पर राशि की व्यवस्था की गई है। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत युवा 1 साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी तथा अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। अगला प्रश्न: ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ए कृषि और पशुपालन, बी खाद्य प्रसंस्करण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी जैव प्रौद्योगिकी। आंसर ए कृषि और पशुपालन। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपना एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू करेगी। ये पहल ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्मों को जारी करने के साथ ही शुरू होगी। इनमें से 289 जलवायु अनुकूल और 27 जैव संवर्धित किस्में हैं। ICAR का लक्ष्य केंद्र की कार्ययोजना के तहत 100 दिनों के भीतर 100 नई बीज किस्में और 100 कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित करना है और योजना है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के मध्य तक इन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न: दूसरा एशिया प्रशांत आपद मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आंसर डी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार है। पहला एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न: 14 जुलाई को किस शहर में 1.1 मिलियन से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटों में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ए लखनऊ, बी गुरुग्राम, सी इंदौर, डी पटना। आंसर सी इंदौर। एक्सप्लेनेशन: महज 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर इंदौर ने 14 जुलाई को 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार ने किया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के दौरान 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान BSF अकादमी के रेवती रेंज में चलाया गया, जिसे 9 जोन और 100 उप जोन में विभाजित किया गया था।